पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर सरकार द्वारा वैट नहीं घटाने के विरोध में जहां भाजपा हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, वहीं इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल में वैट घटाने को लेकर वह राज्य के वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर अनुरोध करेंगे। आम लोगों को पेट्रोल डीजल में राहत देने के लिए जरूर हमारी सरकार इस और महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। संविधान दिवस के मौके पर निकले जन जागरण रैली में वे मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा की सरकार की खामियों को लोगों तक रखने के लिए जन जागरण अभियान में कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर निकले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम भाजपा के नाकामी के कारण ही चीन आज भारत की ओर घुसपैठ कर रहा है, आंख दिखा रहा है। यही नहीं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है जिससे आम जनता त्रस्त है। भाजपा की कमी को गिनाने के लिए वे लोगों तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 2 रुपया 27 पैसा, हमने भी छोड़ने का काम किया। ऐसा नहीं है 12 रुपया 27 पैसा घटा है तो 10 रुपया उनका है, 2 रुपया 27 पैसा हमारा है। फिर भी हमारे मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब और हमने जो है अपने वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी से बात की और कहा है कि जनता को राहत देने के लिए वैट में छूट मिली। सर आपसे जानना है, देखिए हम लोग जन जागरण अभियान में निकले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय आरपीएन सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी के निर्देश पर हम जन जागरण अभियान के लिए हर जिले में जा रहे हैं। यह 18वां जिला है जहां हम लोगों ने प्रवेश किया है और जो लोगों के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ उसको एकत्रित कर रहे हैं, उस आक्रोश को एकत्रित करके। और हम ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सारी महंगाई पर रोक लगे। जिस तरह से चीन भारत के अंदर घुसा चला आ रहा है उसको रोका जाए और साथ ही साथ जिस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, आज संविधान दिवस है और आप देख रहे हैं लगातार संविधान और इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। एक अपना अग्निशि कलाकार जो है वो लगातार जो है स्वतंत्रता पर अटैक कर रही है, वो कह रही है कि 2014 में आज़ादी मिली है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और उसको हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर बतौर अध्यक्ष हम जिलों में जा रहे हैं तो जिला अध्यक्ष प्रखंड में जा रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष पंचायत में जा रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष बूथ स्तर तक जा रहे हैं। हम समझते हैं 18 जिला में जो रिस्पॉन्स मिला है निश्चित रूप से हमारा उत्साह वर्धन करने वाला है और हम पूरी तरह से जो हमारा मकसद है केंद्र सरकार के को बेनकाब करने का, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने डीजल पेट्रोल रसोई गैस के माध्यम से लूटने का काम किया है देश को और लूट के बाद अब छूट देने की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग यात्रा पर हैं। और हमें लगता है कि जो जिस तरह से लोगों का आकर्षण हमारे प्रति बढ़ा है, लोगों का उत्साह देखा है, आने वाले समय में 2024 में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी होंगे और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मान लिया है 19 नवंबर को कि जब वो देश को संबोधित कर रहे थे, राष्ट्र का संबोधन कर रहे थे, उसमें उन्होंने माना कि किसान बिल तो सही था लेकिन लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तो हम समझते हैं अब उनकी समझ जो है वो समझ गई है कि अब जनता हमारी बात नहीं समझ रही। सर आपसे जानना, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।